आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जब मीरा को इस बात का एहसास होता है कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि विद्या उसे सारा सच बताती है और उसे साथ ही साथ ये भी बताती है कि वो तो भगवान का भला हो कि सही समय पर माँ वहाँ पर पहुँच गई और उन्होंने तुम्हें बचा लिया और वही तुम्हें घर लेकर आई हैं इस हालत में। ये बात सुन के तुरंत ही तड़कती हुई मीरा चली जाती है सामने कृष्ण भगवान के मंदिर में, जहाँ पर गोपी होती है। और वहाँ पर जाते ही वो उससे पूछती है एक सवाल कि क्या आप मुझे यहाँ पर लेकर आई हैं। तब वो कहती है कि हाँ, क्या हुआ मीरा, बस इतना ही कहना होता है। मीरा तुरंत ही अपनी माँ के चरणों में बैठ जाती है और रोते हुए उनसे सॉरी बोलती है, ये कहते हुए कि आई एम सो सॉरी माँ, मेरी वजह से आपको कितना कुछ सुनना पड़ा है, झेलना पड़ा है, यहाँ तक कि मैंने तो आपका नाम भी लिया। ये बात सॉरी कहते हुए गोपी को याद आने लगती है अपनी छोटी सी मीरा, जो इतनी भोली थी, जो उसको 8 साल बाद मिली थी। और तभी मीरा रोते हुए सारे घर वालों से एक एक करके माफ़ी मांगती है। उसे अब एहसास हो रहा है कि उसने कितना दुख और कष्ट पहुंचाया है अपने ही परिवार वालों को। इसके चलते वो सभी से माफ़ी मांग रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी अपनी दादी कोकिला आ जाती है और वो तुरंत ही उसे बालों से खींचकर पीछे कर देती है और एक ज़ोरदार तमाचा उसको लगाती है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आता है कि आखिर ये हुआ क्या। वो अपनी दादी से भी माफ़ी मांगने लगती है रोते हुए मीरा, लेकिन यहाँ कोकिला बिल्कुल भी मीरा को माफ़ करने के मूड में ही नहीं थी। वो उसको क्षमादान देना ही नहीं चाहती थी और लगातार सारी पुरानी की पुरानी भूलें भी मीरा की, जो मीरा अब तक अपने परिवार वालों के साथ करती आई है, और कहीं ना कहीं ये सच भी है, लेकिन अब उसको पश्चाताप हो रहा है। और अगर कोई दिल से प्रायश्चित करना चाहता है तो उसे क्षमा मिलनी ही चाहिए, लेकिन कोकिला अपना यही सिद्धांत यहाँ पर पूरी तरह से भुला चुकी है। बिल्कुल ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे कि वो सच में कोकिला मोदी है ही नहीं, बल्कि कोकिला मोदी का मुखौटा पहने कोई और ही है। अब आने वाले एपिसोड में ये पता चलेगा।